दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं सिविल और एक्सपीरियन के बारे में। दोस्तों ये दो ब्यूरो ऐसे हैं जो बहुत सटीक और बहुत एक ही मतलब कि आप समझ लो इनको। दोस्तों यहाँ पे सवाल ये है कि सिविल का स्कोर हमेशा इतना लो पॉइंट क्यों चढ़ता है और एक्सपीरियन का स्कोर इतना हाई क्यों चढ़ता है। चलिए बताने वाले हैं, जानना बहुत जरूरी है। काफी लोग शिकायत किए कि मेरा सिविल का 2 पॉइंट इंक्रीज हुआ और एक्सपीरियन का मेरा 16 पॉइंट 15 पॉइंट 20 पॉइंट इंक्रीज हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे काफी सारे ऐसे शिकायत है, चलिए बताने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको बता दूं ये चार ब्यूरो है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, सिविल, ट्रांस यूनियन, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, हाई मार के आपको चार ब्यूरो देखने को मिलेंगे। आरबीआई ने सभी को मान्यता सेम दिया है और यहाँ पे जो एनबीएफसी कंपनी बैंक हैं सभी के पास इतना राइट है कि भैया अगर आप लोन कोई फाइनेंस या कुछ भी अगर करवाते हैं तो इनका जो डेटा है इनके यहाँ पे अपडेट होगा और ये पूरी राइट मिलता है बैंक का, एनबीएफसी कंपनी का। बट यहाँ पे रीजन ये है कि बैंक वाले क्या करते हैं, जो भी आपका डिटेल्स है, डेटा है, उसको लेट मतलब कि रिपोर्ट करवाते हैं। मतलब कि जो भी आपने लोन लिया, आपकी एक किस्त गई, दो किस्त गई, तीसरे में जाके आपका डेटा को अपडेट किया, कोई डेटा आपका मिस कर दिया, इस पर आरबीआई कड़ा एक्शन ले रहा है। बट यहाँ पे सवाल ये है कि इसमें आपका रैंकिंग लेवल बराबर क्यों नहीं रहता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, इसमें जो है ये अलग अलग विरोध काम है। मतलब सिविल एक मतलब कि इसको एक प्रायोरिटी और सबसे अधिक मान्यता मिलने वाला सिविल ट्रांस यूनियन है। एक्सपीरियन एक अलग ब्यूरो है, इसको भी एक प्रकार से मान्यता पूरा आरबीआई दे दिया है। बट यहाँ पे रीजन ये है कि जब भी आपका रिपोर्ट होता है तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी वाले ये क्या करते हैं, एक्सपीरियन में रिपोर्ट कर दिए और सिविल ट्रांस यूनियन में ये रिपोर्ट किए नहीं। मतलब कि आपकी एक अच्छी हिस्ट्री को क्या करेंगे, एक्सपीरियन में पहले डाल देंगे और सिविल में लेट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जब आपका डेटा एक टाइम से अगर जिसके पास जाएगा तो अपडेट होगा, यहाँ पे डेटा आगे पीछे होता है क्योंकि टाइमली जो आप रिपेमेंट करते हैं उसका डेटा टाइमली अपडेट नहीं होता है। अभी आप किस्त पे करते जाओ, आप चेक करो अपने सिविल में, अपने एक्सपीरियन में, अपने चारों ब्यूरो में, आपका चारों ब्यूरो में रिपोर्ट टाइमली नहीं रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एक में अपडेट कर दिए, दूसरे में नेक्स्ट मंथ कर दिए, मतलब कि एक्सपीरियन में रिपोर्ट भेज दिए और सिविल में उसके नेक्स्ट मंथ बाद अपडेट किए। अब दोस्तों यहाँ पे गैपिंग होने लगा, मतलब कि टाइम से डेटा जो था वो अपडेट ही नहीं हुआ। अब ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपका सिविल की जो पॉइंट है हमेशा लो ही रहता है, एक्सपीरियंस हमेशा हाई रहता है। और ये गलती दोस्तों किससे होता है, बैंक एनबीएफसी कंपनी से। इस पे आरबीआई ने कड़ा एक्शन लिया और इस चीज को बहुत बरकरार रखने के लिए इसको जांचा, चेक किया। आरबीआई का ये नियम है कि जो भी आपकी किस्त ईएमआई जा रही है आप उसको टाइम से अपडेट करो, कोई भी टाइम मिस ना हो, सारी चीजें आप इसको टाइम टाइम अपडेट करते जाओ। बस यहाँ पे आरबीआई कितना कड़ा एक्शन क्यों ना ले ले, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये चीजें पूरी तरीके से कभी सही होने वाली नहीं है। रीजन दोस्तों यहाँ पे जब कोविड-19 आया था तो यहाँ पे दोस्तों लॉकडाउन के टाइम में आरबीआई ने कड़ा एक्शन लेते हुए कहा था कि हम मोराटोरियम दे रहे हैं, किसी का सिविल, किसी का हिस्ट्री खराब ना हो। यहाँ पे दोस्तों काफी लोगों ने कोविड-19 से नहीं, खुद से डर के मारे मर गए दोस्तों। और काफी लोग दोस्तों जो है यहाँ पे ईएमआई पेमेंट करना चाहे उनको इतना भय कर दिया गया कि उनका सिविल बर्बाद हो गया। और ये एक तरीके से अभी देखो कैशबिन की बात कर रहा हूं, कैशबिन बैन हो गया ना, अब उसके संग कौन था इजी फाइनेंस लैंडिंग पार्टनर। दोस्तों आज भी आप जाके यूट्यूब पर कमेंट चेक करो, लोग शिकायत कर रहे हैं, रो रहे हैं कि मेरा सिविल पीसी फाइनेंस ने खराब कर दिया, मैं पेमेंट कैसे करूं। भैया आपने लाइसेंस तो रद्द कर दिया, अब लैंडिंग पार्टनर उसके जुड़े थे, अब लोन तो कैशबिन थ्रू आया है ना, हमें ना। अब जैसे कि मान लो कैशबिन हो गया और पीसी फाइनेंस हो गया, लाइसेंस तो कैशबिन का हो गया बट उसके संग जो अमाउंट मिला वो कैशबिन के थ्रू ही मिला, भले से पीसी फाइनेंस दिया। बट आज भी लोगों का सिविल बर्बाद हो रहा है, आप यकीन मानो मेरे पास रोज के 15-20 मेल आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दोस्तों इस पे और कड़ी अगर जांच की जाए तो इस किसी का सिविल बर्बाद ना हो। आप बताओ मैं सही कहा हूं या गलत कहा हूं, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नवरू साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।